हाँ जी, लिखते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। खैर ये बातें आगे यूज होती रहेंगी और जब आएगा तो बात करा जाएगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ, हाँ न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होता है? देखिए अगर हम लोग इसमें बात करें, बेसिकली अगर थोड़ा सा इससे रिलेटेड लिखा जाए ना, हाँ लिखे, एन ऑब्जेक्ट जो भी है, पार्टिकल बॉडी, एन ऑब्जेक्ट इट्स ए स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। हाँ जी, एन ऑब्जेक्ट पार्टिकल कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, दैट इज वेलोसिटी कॉन्स्टेंट, है ना? यूनिफॉर्म मोशन अंटिल अनलेस अनलेस कंपेल्ड बाई सम एक्सटर्नल फोर्स। ध्यान दीजिएगा, हमने फोर्सेस को भी एक्सटर्नल एंड इंटरनल समझाया था। एक्सटर्नल फोर्स, ये इसका स्टेटमेंट है ना। ऑब्जेक्ट देखिए कोई भी चीज है, जैसे हम बोलते हैं ये है, ये रेस्ट पर ही है तो रेस्ट पर ही रहेगा, अंटिल अनलेस कि हम इस पर फोर्स ना लगाएं। ये हटा देना भी ना हाथ का फोर्स लगता है, कैसे? ग्रेविटी लगाते रहता है, है ना? तो ये इस तरीके से है ना। इसको अगर बात करोगे ना तो ये चीज रहेगा जो दिया है, स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन। हाँ, कब ये गड़बड़ होगा? जब फोर्स लगेगा या तभी चिन्ह। हाँ ना, हम इसको क्या बोलते हैं? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज बेसिकली लॉ ऑफ इनर्सिया। हाँ जी, एक और नया बात आ गया। देखिए लॉ ऑफ इनर्सिया भी जो होता है, जो हमने यही चीज लिख रखा है ना, बिल्कुल लॉ ऑफ इनर्सिया भी यही बिल्कुल बात होती है। थोड़ा सा जो फर्क आएगा वो हम लोग बात करेंगे। अगर हम लोग बोलें तो यही चीज रहता है कि एन ऑब्जेक्ट इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। हाँ जी बिल्कुल ना। देखिए क्या होता है ना, देखो अगर आप बात करेंगे तो मार्कर पर हमने फोर्स लगाया और ये चलना शुरू करा। हाँ, और बात ऐसा है कि थोड़ा सा अगर ज़्यादा ये बड़ा है तो इस पर उतने फोर्स में नहीं चलेगा, ज़्यादा चाहिए। दूसरा बात क्या होता है कि अगर हम दीवार पर या ट्रेन को धक्का दें तो वो चलेगा ही नहीं। हाँ जी, क्या है ना, देखिए ये भी रेस्ट में है, मार्कर भी रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है और ट्रेन भी रेस्ट में है, लेकिन इसको
हिलाना या मोशन में लाना आसान है, डस्टर को थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है, ट्रेन को नहीं होता और ज़्यादा डिफिकल्ट है। एनीवे क्या बोला जाता है ना कि जो हमने यहाँ पर थोड़ा सा लिखा है वो आता है मास से रिलेटेड। देखिए क्या है, देखो जो न्यूटन फर्स्ट लॉ का एग्जाम्पल्स हैं वो यही सब होता है कि नहीं होता बताया जाता है, या ऐसा आप फील भी करे होंगे कि बस में आप खड़े हैं ना, तो आपको और ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाता है। जैसे ही बस चलेगा आप ना पीछे की तरफ चले जाते हैं, व्हाट हैपन ना कि बस स्टार्ट हुआ, तो बस स्टार्ट हुआ वो मैकेनिकली स्टार्ट होता है, उसमें फोर्स लगता है और वो उसके टायर बॉडी और एज वेल एज उसका जो फ्लोर है वो नहीं होता, मैकेनिकली लॉक है हाँ, और वो बढ़ने लगते हैं। अब देखिए आपके बॉडी के साथ क्या होता है कि जो आपका पैर है ना वो तो उस फ्लोर के साथ अटैच है या बोल लीजिए कि कॉन्टैक्ट में है, तो बस के साथ आपका पैर भी चला जाता है या जाने की कोशिश करता है हाँ। बट यही चीज़ होती है क्या कि कोई भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल अपना स्टेट ऑफ रेस्ट कंटिन्यू करेगा, मतलब अगर आप ऊपर पार्ट में जाएंगे सर तक जाएंगे तो क्या होगा ना कि ये तो पहले रेस्ट में था तो ये चाहेगा कि यही रेस्ट में रहें, तो पैर आगे जा रहा है और सर यही है, तो यही चीज़ फील होता है कि हम लोग ऐसे चले गए, समझ रहे हैं। इनफैक्ट क्या होता है, पैर आगे जाता है मतलब धीरे धीरे हाँ, और ये फोर्स अप्लाई होता है, फिर हम लोग फोर्स अप्लाई करके मसल्स फोर्स हम लोग बैलेंस करते हैं ना। यही हालत होती है जब बस में ब्रेक लगता है, क्या होगा जब बस में ब्रेक लगता है तो हमारा पूरा बॉडी उससे पहले मोशन में रहता है हाँ। ना ब्रेक लगना मतलब फोर्स लगना, और फोर्स लगने से पैर रुक जाता है या उसका जो फ्लोर है वो रुकता है हाँ, एंड जो बाकी का पार्ट है बॉडी का वो अपना रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन मतलब मोशन कंटिन्यू करेगा सर हाँ, और वो ऐसा रहता है कि ब्रेक लगता है तो हम लोग नहीं होता, पैर तो रुक गया फोर्स लग गया लेकिन बॉडी धीरे धीरे ऊपर हाँ, तो ये आगे की तरफ लीन हो जाते हैं एंड दैट इज बिकॉज ऑफ इनर्सिया। नाउ अगर हम लोग बात करें एक टर्म मास इज अ मेजर ऑफ इनर्सिया, देखिए जिसका मास ज्यादा होगा हम बोल सकते हैं उसका इनर्सिया ज्यादा होगा, हालांकि ये सब बोलना सही नहीं होता है। इनर्सिया बोलिएगा तो एक स्टेट है, ये भी रेस्ट पर है, बोर्ड भी रेस्ट पे है, ट्रेन भी रेस्ट पर है, लेकिन इसका मास कम है हाँ, बोर्ड का थोड़ा ज़्यादा है, ट्रेन का और ज़्यादा है, तो इसीलिए इसको हिलाना डिफिकल्ट क्या बोलते हैं आसान है, ट्रेन को हिलाना हमारा क्या होता है डिफिकल्ट होता है, एज इन मास उसका ज़्यादा है ना। और अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट न्यूटन्स सेकेंड लॉ, हाँ जी ना, अगर हम लोग इसके स्टेटमेंट पर आए लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, देखिए ये बोला ये जाता है हाँ जी, फोर्स अगर लिखेंगे तो हम लोग
ये रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम हम लोग लिखते हैं, फोर्स डीपी बाई डीटी। हाँ, वेयर पी जो है उसी को हम लोग बोल रहे हैं लीनियर मोमेंटम। हाँ जी, नाउ क्या होता है, कैसे होता है, इनफैक्ट इट्स अ वेक्टर रिलेशन, आगे चल के और भी डिटेल आएगा ना। देखिए थोड़ा थोड़ा हम लोग बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए कई बार क्या होता है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ को, खैर सीक्वेंस लोगों का अलग अलग हो सकता है, एनीवे हम लोग उसको कनेक्ट कर पाएंगे। न्यूटन सेकेंड लॉ को कई बार क्या होता है कि ये लोग लिख डालते हैं कि न्यूटन्स सेकेंड लॉ जो है वो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हाँ जी मैं बोलूंगा, आप इसको न्यूटन्स सेकेंड लॉ ना बोलिएगा, कभी नहीं बोलेंगे, ये गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन ये लिखना गलत नहीं है, लेकिन इसको न्यूटन्स सेकेंड लॉ बोलना ये गलत है। हाँ ये आएगा, लेकिन इट्स नॉट अ न्यूटन्स सेकेंड लॉ, ऐसे हम लोग नहीं लिखेंगे, ये चीज होती है। एनीवे आगे आइए, चलिए थोड़ा सा हम इन चीजों को बात करते हैं और बढ़ेंगे। फोर्स को लिखते हैं तो ऐसे लिख देते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, यही आता है। अरे डी पी बाई डी टी ये चीज होती है, एज डी पी बाई डी टी क्या होता है, स्मॉल चेंजेस के लिए लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा पी बाई वॉट डेल्टा टी। ये नाउ अगर आप डेल्टा का बात करोगे तो वो फाइनल माइनस इनिशियल, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल चेंजेस हम लोग ऐसे ही लिखते हैं डेल्टा टी, बिल्कुल है ना, वेक्टर रिलेशन है। हाँ वेक्टर हर डायरेक्शन में आएगा। एनीवे थोड़ा सा मैं इसके बारे में बात करता हूं और आएंगे आगे लीनियर मोमेंटम। पी ऑफकोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है, और पी को लिखोगे तो हम लोग इतना लिखते हैं। इनफैक्ट हम लोग थोड़ा आगे जाएंगे ना तो इसका और मैथमेटिकल एप्लीकेशन आएगा, फिलहाल तो आप इतना समझ लीजिए मास और क्या है वेलोसिटी, समझ रहे हैं, और ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वी जो है ऑफकोर्स आपका एक क्या बोलोगे वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो ये वेलोसिटी है हाँ वेक्टर फॉर्मेट में। एनीवे डेल्टा पी की बात करोगे, सॉरी डेल्टा पी तो वो आएगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, मतलब आप लिख सकते हैं एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल, ऐसे भी आते रहेगा। तो ये सब चीज़ें हम लोग करते रहेंगे और जैसा रहेगा वेक्टरली करेंगे, ध्यान से आई जे के हो सकता है, अभी एक एक करके भी करेंगे तो भी रहेगा। और थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या देखिए है ना, और कोई ज़्यादा इसमें अभी नहीं घुसेंगे। हाँ कॉलिजन एक टॉपिक पढ़ना होता है, उसमें और बेटर क्या बोलेंगे डिटेल्स के साथ आता है, फिलहाल मास इनटू वेलोसिटी, ये वेलोसिटी। हाँ चलिए एक मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन लिखते हैं फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं। हाँ जी हाफ के जी बॉल
ऑन द ग्राउंड विथ 8 meters per second एंड rebound with 5 meters per second if the time of contact with the ground is t equals to, चलिए हम लोग 0.1 या 2 ऐसे बहुत ही कम वैल्यू थोड़े टाइम के लिए ध्यान से 0.2 सेकेंड हाँ ठीक ना, देन फाइंड फाइंड द फोर्स, इनफैक्ट एवरेज फोर्स हो जाएगा है ना, फोर्स ऑन द बॉल या क्या है बॉल बाय द ग्राउंड देखिए थोड़ा सा हम इस चीज को ना आपको डिटेल करके बता दे रहे हैं, समझते हैं क्या क्या है। पहले ये हमारा ग्राउंड दिया हुआ है, ये आ रहा है आपका जो भी दे रखा है हाँ इनिशियल इसी को मानेंगे, दिया है 8 meters per second, जा रहा है टकरा के फाइनल ये होगा और ये दिया है 5 meters per second हाँ जी, और आने जाने टकराने में तो ध्यान से फाइनल इधर हाँ, तो फोर्स जो है वो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि फोर्स तो ग्राउंड इधर ही लगाया होगा और यही ग्राउंड जो है वो एक्सटर्नल है, बिल्कुल है या नहीं, बिल्कुल। नाउ फोर्स कैसे लिखते हैं, फिलहाल ये टाइम भी हमें दिया है इसी को डेल्टा टी बिल्कुल, और ये 0.2 सेकेंड ऐसा हम लोग माने। तो हम लोग अगर बात करेंगे कि फोर्स लिखें तो चुपचाप हम लोग लिखते हैं डेल्टा पी जो अभी हमने पढ़ा है अपॉन डेल्टा टी, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल बाय बिल्कुल डेल्टा टी या टी, यही एक्सटर्नल फोर्स जो है ग्रेविटी है, फिलहाल जो ग्राउंड है उसी को हम लोग मान रहे हैं या है भी। तो एफ जो आ रहा है वो मास वी फाइनल माइनस मास और वी इनिशियल बाई टी, ध्यान से मास दिया हुआ है अपने को हाफ के जी, एम की वैल्यू दे दिया है 1/2 kg हाँ जी ठीक है। एनीवे वी फाइनल तो हम लोग अपवर्ड को जे लिखेंगे, बिल्कुल वेक्टर रिलेशन होता है आप ऐसे लिखिएगा हाँ, तो अपवर्ड को जे लिखेंगे तो वी फाइनल को हम लोग 5 j cap लिखें, बिल्कुल लिखना चाहिए वेक्टर फॉर्मेट में। तो इनिशियली जो था वो उसको हमें लिखना चाहिए 8 और माइनस जे कैप, माइंड इट वेक्टरली लिखना है बिल्कुल हाँ यस। एंड दिस इंप्लाइज अगर हम लोग बात करें कि मास 1/2 वी फाइनल 5 j माइनस में 1/2 और ये है -8 j, बी केयरफुल वेक्टर रिलेशन बाय 0.2, कैलकुलेशन कर लीजिए 2.5 प्लस यही होगा j और ये भी प्लस में आ गया +4 j बाय 2/10 लिख सकते हो हाँ, तो आएगा ना 0.10 को। एनीवे आप वेक्टर फॉर्मेट में बकायदा बता सकते हैं ये कितना आ जाएगा, सिक्सटी फाइव बाई टू
न्यूटन, बिल्कुल हो चुका है। जे जे लिखना है, जे लिखिए, लिखना भी चाहिए एकदम। वैसे जे हमें न्यूटन तो उसका यूनिट हो गया, और अपॉड जे यानी कि 32.5 न्यूटन, और वो बता रहा है किधर, अपॉड इधर। बिल्कुल हमें ये सब जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम वेक्टोरली ऐसा लिख सकते हैं, और दिस इज द वे, ये बता रहा है 32.5 न्यूटन का फोर्स लगेगा ऑन एन एवरेज इस इतने सेकंड पर, राइट नाउ। चलिए मोमेंटम वाला बात को कॉलिजन वगैरह में और आता रहेगा, समझ रहे हैं ना। फिलहाल हमारा जो फोकस है वो इस पर नहीं, फोर्स पर है, और आगे चलते हैं, देखते हैं। फिर से हम लोग फोर्स वाले मैटर पे आ जा रहे हैं। जब भी थोड़ा बहुत पूछेगा आप इसका ध्यान रखेंगे, और आगे जब आएगा तो हम लोग और डिटेल में बात करा भी जाएगा। नाउ हम लोगों ने फोर्स जो लिखा वो लिखा डीपी बाई डीटी, बिल्कुल, या एवरेजन डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, यस। हाँ जी, ना देखिए इसको अगर आप लिखेंगे तो हम जानते हैं कि पी की वैल्यू मास इंटू कितना वेलोसिटी, बिल्कुल यही चीज होता भी है, लीनियर मोमेंटम। एंड दिस इंप्लाइज कि फोर्स को हम लोग बात करें तो वो आ जाएगा डी एम वी बाई डी टी, हाँ जी लिखा जाएगा। एंड इसका स्पेशल केस क्या, इफ मास इज कॉन्स्टेंट। नॉर्मली देखिए ऑब्जेक्ट वगैरह का मास कम ज़्यादा नहीं होता है, या ये जो ऐसा नहीं है, देयर आर सिचुएशन की होता भी है, बट ये एक स्पेशल केस है। मास की वैल्यू को अगर हम लोग कॉन्स्टेंट लिखें तब जो आता है ये हम इसको बाहर निकाल सकते हैं, और ये डी वी बाई वॉट डी टी, अदरवाइज तो ये तो ऐसा आएगा। क्या, हाँ जी, तो मास कांस्टेंट रहेगा तो इतना बाहर निकाला ये आ गया, और हम जानते हैं कि ये एज एक्सेलरेशन जो होता है वो डी वी बाई कितना डी टी। देखिए इसीलिए मैं स्टार्टिंग में मना कर रहा था कि दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ। हाँ, इसको हम गलती से भी, हाँ हालांकि है सही चीज, बट गलती से भी इसको न्यूटन सेकंड लॉ ना बोलेंगे। नाउ ध्यान दीजिए, अब अगर जो हमने लिखा है, ठीक है ना, किसके लिए लिखा है या कैसे लिखा है, ये जो बात आती है ये चलते हैं। पहला अगर आप बात करोगे तो वेक्टर रिलेशन है, ये आपका जो आएगा इस तरीके से लिख सकते हैं कि एक्स में रहेगा तो मास इंटू ए एक्स, अगर आपका y में रहा तो मास y का, अगर z में रहा तो मास, सॉरी मास z का नहीं, एक्सेलरेशन है ना, डायरेक्शन वाइज। इनफैक्ट होता तो ये बिल्कुल सही है कि जिस डायरेक्शन, हाँ फोर्स, उसी डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, राइट। तीनों आएगा, तीनों हम लोग लिखेंगे। नाउ देखिए अगर आप बात करेंगे ये, तो ये छोटा सा है, अगर आपने इस पर नहीं होता कि फोर्स लगाया, हाँ ऐसे जो भी रहा ये ऐसे चल रहा है, बट अगर मैं बात करूं कि ये ऐसा आ गया, ये और यहाँ पर मैंने फोर्स लगाया ये इधर ये, तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसका हर पार्ट तो अलग अलग जा रहा है, तो हम फोर्स, हाँ और एक्सेलरेशन किसका लिखेंगे। तो देखिए ये क्या होता है, इट्स अ वैलिड फॉर ये
पॉइंट मास, बिल्कुल हाँ जी, या बड़े बड़े ऑब्जेक्ट को जब तक हम पॉइंट मानेंगे तभी तक ये काम करेगा, समझ रहे हैं? नाउ